गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वोकल, ख़त्म हो गया था। आज हम देखेंगे चैप्टर टू, एक जगत एक लोक। एक जगत मतलब कि ये जो पृथ्वी है वो एक जगत है और एक लोक है। ये एक कविता है। देखते हैं आगे। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है, मतलब कि प्रकृति में जो जो है, जैसे कि सूरज, चंदा, नदी, पानी, ये सब चीज़ है, वो सब हम सबके लिए एक ही है। हम सबको समानता से रहना है, मतलब कि अगर पक्षी हो, प्राणी हो या मानव हो, सबको एक समान रहना है, मतलब अलग अलग रहना नहीं है, सबको एक ही समान रहना है। बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है, मतलब किसी भी जात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो ये वर्ण का है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वाणिया है, कुछ भी। हाँ, भेदभाव से और कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, तो ये सब जो भेद है उसको मिटा कर हम सबको एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है, मतलब कि मनुष्य सोच रहे बस हम है, हमारा घर है, बस ख़त्म बात, बाकी सब क्या है, क्यों है, वो किसी को पड़ी नहीं है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है, मतलब कि हम जो राष्ट्र में रहते हैं वो राष्ट्र के अलावा भी पूरी दुनिया हमारा भाई बहन है, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। जैसे कि आप ये पिक्चर देखते हो, उसमें सूरज है, चिड़िया है, हमारा राष्ट्रध्वज है, चंद्र है, तारे है, बादल है, फिर सिंबल है जैसे कि ओम है, क्रिश्चियन का मार्क है, फ्लावर्स है, तो ये सब हमको दिखाते हैं कि हम सब एक है, एक जगत एक लोक। शॉर्ट में समझें तो यह संसार बहुत बड़ा है, मतलब कि पूरी दुनिया है वो बहुत बड़ी है। संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं, मतलब कि ये संसार है पूरा, उसमें बहुत सारे देश आए हुए हैं और बहुत सारी जाति के लोग यहाँ रहते हैं। सब एक ही धरती पर रहते हैं, हम सब है वो धरती पर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम है तो अलग घर में रहते, मतलब घर अलग होता है, लेकिन जो धरती है वो सबकी एक ही है। धरती सबकी माता है, वो हमारी भी है और दूसरों को भी है, इसलिए सब भाई भाई है, हम सब क्या है, भाई भाई। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है कि पूरा विश्व है वो एक ही है। अब देखते हैं काव्य की पहली पंक्ति। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, मतलब कि ये एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। देखे तो यह संसार एक मानव लोक है, मतलब कि यहाँ सारे मानव रहते हैं। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे का सम्मान के हकदार है, मतलब कि हमें सब मानव जाति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, पर सबको हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सम्मान देना उसका हक है। जैसे एक चंद्र, तो हम सबके लिए एक ही चांद है। चंद्र होता है वो कोई अलग अलग नहीं होता, सबके लिए एक ही चंद्र है। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही चंद्र है और उसकी रात की जो रोशनी होती है वो पूरी दुनिया में फैलती है। तो चंद्र जब एक है सब सारे संसार के लिए, ऐसे ही दिन में एक ही सूर्य है
जो पूरे संसार को प्रकाशित करता है। जैसे चंद्र एक है, वैसे सूरज भी एक ही है और वो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। तो एक ही भूमि है जहाँ हम रहते हैं, वो धरती माँ, वो भी हम सबके लिए एक ही है। हम सब एक ही धरती पे रहते हैं और इसी तरह हम सबके ऊपर एक ही आसमान है। सबका आसमान अलग अलग नहीं है, सबका आसमान एक ही है। तो एक जगत एक लोक सबका है एक मान, ये पूरे हम पूरा उसका देखते हैं। मतलब कि इस संसार में सारे मानव लोग रहते हैं और इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि रात को चंद्र है, वो पूरे संसार को चांदनी फैलाता है, मतलब कि प्रकाशित करता है। दिन में सूर्य है, वो भी पूरे संसार को प्रकाशित करता है। वैसे ही हम सब एक धरती पर रहते हैं और एक ही आसमान के नीचे हम सब रहते हैं। दूसरी लाइन देखते हैं, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तो देखते हैं कि हमें जो मिलने वाला प्रकाश है, तेज मतलब प्रकाश, हवा मतलब हवा और पानी, ये सब एक ही है। सबको सेम ही प्रकाश मिलता है, सबको एक ही हवा मिलती है, सबको एक ही पानी मिलता है, किसी का कहीं अलग से आता नहीं है। तो वैसे ही जीवन में सुख दुख की एक कहानी है। सबके जीवन में सुख और दुख आते ही है और एक ही तरह होते हैं। जब दुख आता है तो सब रोते ही है, टेंशन में आ ही जाते हैं। सुख आता है तो सब लोग हम खुश होते ही है, फिर वो कोई भी जाति का लोग हो या कोई भी प्रदेश या कोई भी राज्य या कोई भी देश में रहता हो, सबकी ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों आते ही है। नीचे देखते हैं, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। देखे तो जो हमें शरीर मिला है वो सबका एक जैसा है। जैसे कि मानव का शरीर है तो सबके दो हाथ है, दो पैर है, एक सिर है, तो सबकी शरीर की रचना है वो एक जैसी हुई है। फिर है एक रक्त, रक्त मतलब लोई, जो हमारे में लोई होता है उसका रंग है वो सबका लाल ही होता है, किसी का पीला नीला काला नहीं होता, सबका कैसा होता है, रेड कलर का। तो हम सबका खून का कलर है वो भी कैसा है, लाल रंग का, एक जैसा है। एक अस्थि मतलब कि हमारे में जो हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ तो वो सब मानव में सेम ही होती है, वो कोई अलग अलग होती नहीं है। और हमारे प्राण है वो भी एक जैसे, जैसे कि आत्मा चली गई तो हम मर जाते हैं, तो सभी मानव का ऐसा ही होता है। एक जगत एक लोक, हम सबकी ये सारी परेशानियाँ, सारा जो सुख दुख सब है वो एक जैसा होता है, तो फिर भेदभाव क्यों करने का। फिर से देखते हैं इस लाइन का, जैसे हमें जीवन में प्रकाश हवा पानी सब एक जैसा मिलता है और सुख और दुख हो तो भी हम एक जैसा रिएक्शन देते हैं। तो हमारे शरीर की जो रचना है, जो हड्डियाँ है, जो आत्मा है, वो सब की सेम है, तो फिर ये भेदभाव किस बात का। उसके बाद का देखते हैं, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, क्षमता और ममता के गीत तराने, क्षमता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, निस्दिन यह मधुर गान। तो हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, मतलब कि हर्ष भरे गाए, मतलब कि जब हमें खुश होते हैं हम लोग तो हम खुशी की मजा लूटते हैं, मतलब कि कोई गुनगुनाता है,
कोई खुश होता है, कोई मुस्कुरा रहता है, तो सबका भाव है वो अलग अलग होता है, लेकिन सब एक ही होता है। कोई खुशी हुए और कोई रोने लगता है ऐसा नहीं होता। वैसे ही समता और ममता के गीत तराने, मतलब कि समानता और पारस्परिक प्रेम है उसके हम गीत गाते हैं। जब एक दूसरे के साथ हम मिलजुल जाएंगे तो आपस में प्रेम बढ़ेगा। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। निस्दिन मतलब कि दिन और रात, सब टाइम हमारे मन में यही होना चाहिए कि हम सब एक है, हम सब एक जगत में रहते हैं, हम सब एक के लोक के निवासी है, हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर से देखते हैं इसका, जब हम खुश होते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, मतलब कि हम हंसते हैं, कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, ये सब सारी समानता हम सब में एक तरह से ही है। और प्रेम भाव से रहने से खुशियाँ बढ़ती है हमेशा। दिन रात हम एक ही कोशिश करें कि हम सब सेम है, हम सब एक ही पृथ्वी के निवासी है, हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे का आदर सम्मान करना है। उसके बाद देखिए तो लास्ट है, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। राष्ट्रों में एक ही यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। मतलब कि राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, मतलब कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव होना जरूरी है। स्वराष्ट्र में जितने भी लोग रह रहे उसका एक साथ एकता का भाव लाना जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम सब मिलजुल कर रहे, हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे, आगे प्रगति कर सकेंगे। सबके साथ न्याय हो, मतलब कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा कि तू नीचा है, तू गोरा है, तू ऊंचा है, तू पैसादार है, तू गरीब है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा, तो सब आगे बढ़ेंगे और सबके साथ न्याय होगा। मानवता की रक्षा होगी, जो अकेला मानव झुंझलाता है संसार में उसे भी किसी का सहारा मिल जाएगा। यही हमारा धर्म है, सब मिलजुल कर रहे, सब साथ में मिलकर आगे बढ़े, सबके साथ न्याय हो, और ऐसे ही करना हमारा धर्म है। अब हिलमिल के लहराए, मतलब कि हम सब मिलजुल कर अपना जो झंडा है वो लहरा है, विश्व शांति का निशान है, हम सब एक साथ रहेंगे तो एकता साबित होगी और यही हमारा धर्म है। दूसरी बार इसका देखते हैं, संसार में बहुत सारे राष्ट्र रहते हैं, सबकी भावनाएं अलग अलग होती है, लेकिन सबका कर्तव्य एक ही होता है, सब साथ में मिलकर आगे बढ़ सकते हो, सबके साथ न्याय होगा, कोई किसी की ज़रूरत होगी तो एक दूसरे की हेल्प करेगा, यही हमारा सच्चा धर्म है। और हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो पूरे विश्व में एकता की स्थापना होगी। तो यहाँ हमारा फर्स्ट सेकंड जो पोयम है वो समाप्त होती है। आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ लेना। अब देखते हैं शब्दार्थ, जैसे कि जग, जग मतलब जगत और दुनिया, लोक, लोक मतलब संसार, मान मतलब आदर सम्मान, भूमि मतलब जमीन, धरती, तेज मतलब प्रकाश, देह मतलब तन काया शरीर, निश्चिन मतलब कि हर रोज प्रतिदिन की बात हुई है, रक्त मतलब लहू खून जो हमारी नस में बहता है, अस्थि मतलब हड्डी, हर्ष मतलब आनंद खुश होना, प्राण मतलब जान जीव, तराना मतलब गीत गाना, प्रगति मतलब उन्नति विकास आगे बढ़ना, एकी मतलब एकता,
राग मतलब स्वर, ताल, लय युक्त संगीत। गान मतलब गीत और निशान मतलब चिन्ह। अब देखते हैं हम अभ्यास। अभ्यास में क्वेश्चन वन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। एक जगत एक लोक जो हमारी टाइटल है, नाम है कविता का, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो यह संसार एक मानव लोक है, इसका आंसर बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। यह संसार एक मानव लोक है, मतलब कि इस संसार में सारे मानव रहते हैं। यह संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर रहते हैं और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हम सारे लोग हैं वो एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है। सूरज हो, चंद्र हो, आसमान हो, धरती हो, ये सारे प्रकृति के तत्व है, वो हम सारे मानव के लिए सेम है, मतलब कि एक है। इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। फिर से सिंपल से देख लेते हैं, यह संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, समान है। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हमारे लिए एक है, तो इसलिए कवि ने इसको एक जगत एक लोक कहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो आंसर होगा, मनुष्य चाहे किसी भी देश में रहता हो, मनुष्य चाहे किसी भी देश में रहता हो, जाति और धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन उसके रक्त का रंग, मतलब कि उसका खून है, उसका रंग है, वो लाल ही होता है। वो दूसरे देश में रहता है, दूसरे जाति का होता है, दूसरे धर्म का होता है, फिर भी उसके जो लोई का रंग है वो लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से, मतलब कि जो हमारा लोई है उसका रंग सबका सेम है, इससे साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। जैसे हमारा लोई का रंग सबका एक है, उसे पता चलता है कि हम सारे मनुष्य एक है, भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, मतलब कि अलग हो, हमारा रूप अलग हो, हमारा रंग है काला हो, धोला हो, लेकिन हम सब एक है। पर भीतर हम सब एक है, मतलब कि अंदर से हम सब कैसे हैं, समान। हमारा खून कैसा है, लाल रंग का। तो शॉर्ट में पूरा आंसर देखते हैं, मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है, भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर हम सब एक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो आंसर देखते हैं, सबकी प्रगति हो, अकेले की नहीं, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा सच्चा धर्म है।
चौथा प्रश्न देखते हैं, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन देखने पड़ते हैं। सारे मनुष्य की बात हो रही है, कोई एक मनुष्य की बात नहीं हो रही। जितने भी मनुष्य यहाँ रहते हैं पृथ्वी पे, वो सारे मनुष्य के जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। किसी का सारा जीवन सुखी नहीं होता और सारा जीवन दुखी नहीं होता, मतलब कि सुख और दुख दोनों एक सिक्के की दो बाजुएं हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, मतलब कि हमारा जीवन है उसमें कहीं अरसा सुख आता है, कहीं अरसा दुख आता है। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। शॉर्ट में देखते हैं, सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। किसी का सारा जीवन सुखी नहीं होता, किसी का सारा जीवन दुखी नहीं होता। सभी के जीवन में बारी बारी सुख और दुख आते रहते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। तो यहाँ हमारे चारों क्वेश्चन आंसर खत्म हुए। आगे देखते हैं कि ऊंचे स्वर में पढ़िए, तो आपको सिर्फ रिपीट करना है देख के। क्वेश्चन 3 देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखता है कि उदाहरण के अनुसार निर्देशिक वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए, जैसे कि क से कौवा, कमल, कागज, कौशल। वैसे हमें ग से बनाना है, तो जिसमें जो वर्ड्स आगे है, जैसे कि पहले में क है, तो देखो कौवा में क पहले आता है, कमल में भी क पहले आता है, कागज में भी क पहले आता है, कौशल में भी पहले क आता है। अब आई ग की बारी, तो ग से गणेश, गणेश। दूसरा गमला, गमला। तीसरा गज, गज मतलब हाथी। और चौथा गीत। गणेश, गमला, गज और गीत। अब बारी आई ख, ख से देखो तो घर, घड़ी, घंटा और घटना। घर, घड़ी, घंटा और घटना। चौथा वर्ड से च, च से आएगा चरखा, चमचा, चरण और चटाई। चरखा, चमचा, चरण, चटाई। लास्ट वर्ड है म, म से महल, मकान, मक्खन और मोर। महल, मकान, मक्खन, मोर। तो क्वेश्चन 3 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 यहाँ है शब्द सारणी। जैसे कि आप सब देख सकते हो, बाइबल हमें क्लियर करके लिखा है, नीचे लिखा है उपयुक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए, मतलब कि जिसका कुछ मीनिंग होता है वैसे शब्द हमको दिए गए हैं। उन्हें ढूंढना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ हमें बाइबल में डार्क सर्कल किया है, तो बाइबल उसमें से हमें बाइबल शब्द से एक वाक्य बनाना है कि बाइबल धर्म ग्रंथ है, बाइबल है वो ख्रिस्ती का धर्म ग्रंथ है। तो वैसे हमको और शब्द देख के वाक्य बनाने हैं। तो आप देख सकते हो इसमें महाभारत, महाभारत है फर्स्ट लाइन में सीधा महाभारत। वाक्य बनाते हैं महाभारत महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य है। दूसरा बनता है पारसी, आप देख सकते हो पारसी सेकेंड लाइन में सीधा है, पारसी सबसे ऊपर पारसी। तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं, जो पारसी लोग होते हैं वो अग्नि की पूजा करते हैं।
जैसे कि महाभारत यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में महाभारत, फिर पारसी, ये सेकेंड लाइन में पारसी, सेकेंड लाइन में पारसी, फिर तीसरा वर्ड होता हिंदू, तो हिंदू यहाँ लिखा है सेकेंड हिंदू। तो हिंदू से वाक्य बनाएंगे हिंदू मंदिर में जाते हैं। चौथा है मस्जिद, मस्जिद यहाँ ऊपर है मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। फिर है मंदिर, मंदिर यहाँ लास्ट में है मंदिर, तो मंदिर से यह राम का मंदिर है, यह राम का मंदिर है। अवेस्ता, अवेस्ता यहाँ पे है अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है, अवेस्ता है वो पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण, रामायण यहाँ लास्ट में है रामायण, रामायण हिंदुओं को सॉरी रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। बाद में है मुस्लिम, तो मुस्लिम यहाँ नीचे है, मुस्लिम से वाक्य बनाएंगे कि ईद मुस्लिम त्यौहार है, ईद है वो एक मुस्लिम त्यौहार है। साई, साई एक संत थे, यहाँ लास्ट में है साई, साई एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहेब, गुरु ग्रंथ साहेब, तो यहाँ दिख रहा है गुरु ग्रंथ साहेब सेकेंड लाइन में। गुरु ग्रंथ साहेब सिखों का धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहेब सिखों का धर्म ग्रंथ है। और लास्ट है सिख, सिख यहाँ ही है सिख, सिख का मतलब होता है कि सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, जो सिख लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं गुरुद्वारा में। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन फोर था वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फाइव है इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनाइए। और अब आता है स्वाध्याय, स्वाध्याय हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।